आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टिस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे कुशल होंगे और जल्दी से बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है आवाज आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे आज हम लोग मेंटर थर्टी सिक्स पे क्लास नंबर थ्री लेके आए हैं करेंट अफेयर्स की जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें करंट करेंट आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट करने वाला है और अगर कोई प्रिपेरेशन नहीं भी कर रहा है तो भी करंट अफेयर्स तो अपडेटेड रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है तो अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर अटेंड मेंटर्स एंड फैसिलिटेटर्स तो सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार और आज हम भरते हैं अपने क्लास के लिए तो मेंटर थर्टी सिक्स बिलीव प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो जो प्रैक्टिस है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है बिल्कुल सही बात है केवीएस वी फाइव इन वन कंपेनियन कोर्स तो अगर आपने ये कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये जो कोर्स है इसके अंदर पांच चीज़ें आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियो कोर्स कंप्लीट इंटरव्यू कोर्स टाइम मैनेजमेंट कोर्स अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे साउंड थोड़ा कम आ रहा है शायद एक हमारे साथी ने कमेंट किया है ओके okay, आगे बढ़ते हैं तो अगर आप इन कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो के वी एस पी आर टी के वी एस टी जी टी के वी एस पी जी टी के वी एस पी आर टी प्लस टी जी टी का कॉम्बो ये चारों जो है आपको मिल जाएंगे तो आप Uh, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या फिर हम ये वाला पी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं देखिए ये सब लिंक्ड है आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप एक लिंक पर पहुँच जाएंगे वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं तो लास्ट की uh, दो क्लासेस हो चुकी है अभी तक हमारी करंट अफेयर्स की uh, फिफ्थ को एक क्लास हुई थी सेवन्थ को एक क्लास हुई थी और आज एक क्लास है तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमने पाँच तारीख से करंट अफ़ेयर पढ़ना शुरू किया है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं रोज़ के सेशन में जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के जो करंट अफेयर्स हैं सितंबर के वो भी मैं कवर करती जा रही हूँ एक एक दो दो क्वेश्चन करके ताकि हमारा फर्स्ट ऑफ तो सितंबर से ही आ, सारा कवर हो जाए तो इस महीने की पूरी करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाएगी और अगर आज का टॉपिक जो है वो आ, उसका वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ से आप लिंक पे जा सकते हैं अगर आपने मैं डे थर्टी सिक्स के सोशल हैंडल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन जौ, कर लीजिए यूट्यूब है एफ़ वी पेज है एफ़ बी ग्रुप है टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी है और इंस्टाग्राम है तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी क्योंकि हम इन सभी मीडियम्स पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं ये कुछ प्ले लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की जिसे अभी तक नहीं देखी है वो देख सकता है तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ री लॉन्च स्वयं ऐप स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू यूथ ऑफ स्टेट किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वयं रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश मेघालय मिजोरम या फिर असम तो आपका टाइम शुरू होता है अब हमारे बहुत सारे साथी आंसर कर चुके हैं ग्रेट आप इसका जो सही आंसर है वो है असम असम इज द राइट आंसर तो देखते हैं कितने साथियों ने सही आंसर दिया है चित्रेश जी बिल्कुल सही हैं नीतू जी बिल्कुल सही हैं शबनम जी बिल्कुल सही हैं अग्नि मित्रा जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही हैं जी हाँ आप सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं ग्रेट तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं इन असम द स्टेट गवर्नमेंट री लॉन्च द स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड टू लाख यूथ ऑफ स्टेट तो ये जो ऐप है स्वयं ऐप ये इसने अभी री लॉन्च की गई है असम में और इसके तहत दो लाख जो युवा हैं उनके ही राज्य के यानी कि असम के ही दो लाख युवाओं को Uh, स्वयं रोजगार मिलेगा और स्वयं देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट ई e. एम इज फॉर एम्पावरमेंट तो ये इसके फुल फॉर्म ये आप याद रखिए और कम से कम भी पचास हजार एक पर्सन को दिया जाएगा ताकि वो खुद का बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके और ये जो ऐप है इसके अंदर अभी एक हजार करोड़ रुपए जो है वो अगले तीन महीने में ही खर्च किए जाएंगे आपको बता दें कि इससे पहले ये ऐप लॉन्च की गई थी इसीलिए इसको री लॉन्चिंग ऐप कहा जा रहा है तब ये ऐप लॉन्च की गई थी 2017 से 2018 में तो अब इसका सेकंड वर्जन आया है जिसमें बोला गया है कि एक हजार एक हजार करोड़ रुपए जो है वो अगले तीन महीने में इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे आगे बढ़ते हैं हु द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट प्रिपेयर बाई मोबाइल क्रैच निम्नलिखित में से किसने मोबाइल क्रैच द्वारा तैयार द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है एम वेंकैया नायडू ओम बिरला रामनाथ कोविंद या फिर नरेंद्र मोदी तो आपका टाइम शुरू होता है अब आपका टाइम खत्म होता है और हमारे आ, कुछ साथी आंसर दे चुके हैं ऑलरेडी इसका जो सही आंसर है वो है एम वेंकैया नायडू ठीक है इन्होंने अभी एक स्कीम जो है वो चालू की है आई एम सॉरी मैं आप सबके कमेंट्स जो है वो देख नहीं पा रही हूँ यस uh... yes. तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी ये जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ़ यंग चाइल्ड इन इंडिया ये जारी की है और ये जो तैयार की गई थी मोबाइल क्रैचज़ के द्वारा तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी उन्होंने रिलीज़ की है अभी स्टेट ऑफ यंग माइंड यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय मोबाइल क्रैचज़ ठीक है अच्छा ये आप ज़रूर जान लीजिए कि ये यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो किस चीज़ को दर्शाती है तो ये दर्शाती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया यानी कि बच्चों की जो यंग बच्चे हैं उनकी हेल्थ और उनका न्यूट्रिशन जो स्टेटस है उसको दिखा दर्शाती है और इसमें जो टॉप फाइव स्टेट है यानी कि जिनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बच्चों का जहाँ पर अच्छा है वो है केरला गोवा पंजाब सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश और जो आ, लास्ट के जो एट स्टेट्स हैं वो हैं असम राजस्थान मेघालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पे बच्चों की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं साइबर सुरक्षा जागरूकता को चलाने के लिए किस कंपनी ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है ट्विटर फेसबुक एमेजन या फिर व्हाट्सएप तो आप अपने आंसर दे दीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब जी हाँ आपका टाइम खत्म होता है और इसका जो सही आंसर है वो है व्हाट्सएप तो देखते हैं हमारे कितने साथी ने सही आंसर किया है अग्नि मित्रा जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही हैं अमृता जी बिल्कुल सही हैं डू स्टडी से जो साथी जुड़े हुए हैं वो भी बिल्कुल सही हैं निशा जी बिल्कुल सही हैं दयागिरी जी आप बिल्कुल सही हैं आइए आगे इसका देखते हैं इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो व्हाट्सएप है उसको अब फेसबुक ने ऑन कर लिया यानी कि अब व्हाट्सएप जो है वो अपना नहीं रहा है फेसबुक के अंडर चला गया है ठीक है तो फेसबुक ऑन व्हाट्सएप सेड इट इज़ पार्टनर्ड बाय तो ये जो है व्हाट्सएप इसने अभी पार्टनरशिप की है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके साइबर सिक्योरिटी के लिए अमंग स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि बहुत सारे आ, बच्चे जो हैं जिनको अभी पता नहीं है इसके बारे में और वो इसके शिकार हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं स्कूल में जब हम लोग जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो साइबर आ, पीस उनके बारे में उनको पता नहीं है साइबर सेफ्टी के बारे में और वो इन सब चीज़ों का शिकार जल्दी हो जाते हैं इसीलिए फे व्हाट्सएप जो है वो बच्चों के मध्य जो है वो अवेयरनेस फैलाएगा द पार्टनर्स एम टू रीच आउट फिफ्टीन थाउ फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट्स तो पंद्रह हजार बच्चों तक पहुंचाया जाएगा पांच स्टेट के अंदर दिल्ली मध्य प्रदेश बिहार झारखंड और महाराष्ट्र इन पांच स्टेट में बच्चों को अवेयर किया जाएगा साइबर सेफ्टी के ऊपर आगे बढ़ते हैं विच कंपनी हैज प्रोडक्ट डिजाइन कैलिडोस्कोप इनोवेशन फॉर डॉलर फोर्टी टू मिलियन किस कंपनी ने डॉलर फोर्टी टू मिलियन के लिए उत्पाद डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है आई बी एम इन्फोसिस गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट तो आपका टाइम शुरू होता है अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है इसका जो सही आंसर है वो है इन्फोसिस देखते हैं हमारे कितने साथियों ने सही आंसर दिए हैं। बहुत सारे साथी बिल्कुल सही हैं पद्मिनी जी बिल्कुल सही हैं टीना जी बिल्कुल सही हैं निबिता जी बिल्कुल सही है शबनम जी बिल्कुल सही हैं मधु जी नीतू जी बिल्कुल सही हैं शुभलक्ष्मी जी बिल्कुल सही हैं किशन जी बिल्कुल सही अमृता जी बिल्कुल सही हैं जी हाँ आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं तो आइए इसके बारे में और जानते हैं ग्लोबल सॉफ्टवेयर इन्फोसिस थर्ड सितंबर अनाउंस इट हैज एक्वायर्ड यूएस बेस्ड प्रोडक्ट तो आपको बता दें कि इन्फोसिस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फर्म है आई के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फर्म है आई की ये आप याद रखिए अभी हाल ही में इन्फोसिस ने क्या किया है कि यूएस यूएस के अंदर एक बना है डिज़ाइन जो कि कैलिडोसकॉप का उसको उन्होंने परचेज़ कर लिया है किसके लिए ताकि वो अपनी जो सर्विस है उसको अच्छा कर सके इंजीनियरिंग सर्विस को मेडिकल उसमें कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट में ठीक है एकरोस अमेरिका जो है ये सर्विसेज को अच्छा किया जाए आगे बढ़ते हैं वट इज द न्यू ब्रांड नेम आफ्टर वोडाफोन आइडिया हैज रीब्रांडेड इट द्वारा खुद के रीब्रांड किए जाने के बाद उनका नया ब्रांड का नाम क्या है तो आपको ऑप्शन दिख ही रहे हैं आपका टाइम शुरू होता है अब आपको पता होगा कि वोडाफोन और आइडिया जो है वो अब मर्ज हो गया है और मर्ज होने के बाद उनका नया नाम क्या है ये आपको बताना है जी हाँ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि वी आई तो देखते हैं कितने साथी सही हैं बहुत सारे साथी बिल्कुल सही हैं हमारे शबनम जी बिल्कुल सही है अग्निमित्रा जी बिल्कुल सही हैं शुभ लक्ष्मी जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही हैं नीतू रानी जी बिल्कुल सही हैं अंकुश जी बिल्कुल सही हैं कीर्ति जी कृष्ण जी किशन जी बिल्कुल सही हैं दयागिरी जी बिल्कुल सही हैं संगीता जी टीना जी जी हाँ आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सेट ऑन सेवेंथ ऑफ सितम्बर अनाउंस इट विल गो बाई द ब्रांड वी तो वी इस फॉर वोडाफोन आई इस फॉर आइडिया तो इन दोनों का ही अभी रीब्रांड हो के दोनों ही मर्ज हो गई हैं और वी आई बन गई है आपको हम बता दें कि आइडिया और वोडाफोन में से जो मेजर शेयर है वो है वोडाफोन का तो वोडाफोन जो है उसका मेजर शेयर है इन दोनों में और ये अभी जो रीब्रांडिंग हुई है वो किसके द्वारा हुई है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा हुई है क्योंकि आपको पता है कि चल रहा है तो फ़ेस टू फेस करना पॉसिबल नहीं है तो इन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये बताया है और uh, इसी के साथ ही ये लार्जेस्ट टेली uh, टेलीकॉम इंटरग्रेश इंटीग्रेशन uh, जो है वो बन गया है वर्ल्ड में क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही uh, अच्छी कंपनीज़ हैं और दोनों ने अगर मर्ज कर लिया है तो अभी ये लार्जेस्ट इंटीग्रेशन बन गया है और इन्होंने इसलिए किया है ताकि ये अपने कर, जो है, कस्टमर्स हैं वहाँ तक बेस्ट सर्विस को पहुँचा सकें आगे बढ़ते हैं हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मुरली रामाकृष्णन विनेश गुलाटी एस कृष्णन या फिर साकेत रे तो इन चारों में से आपको बताना है आपका टाइम शुरू होता है अब हमारे आंसर देने, दे रहे हैं काफी जी हाँ आपका टाइम खत्म हो गया है और हमारे बहुत सारे साथियों ने सही आंसर दिया है तो इसका जो सही आंसर है वो है विनेश गुलाटी ठीक है तो आइए देखते हैं कितने साथी ने सही आंसर दिया है नीतू रानी जी बिल्कुल सही हैं मधु जी बिल्कुल सही हैं रौनक जी हेमलता जी बिल्कुल सही हैं अर्चना जी बिल्कुल सही हैं ज्योति जी बिल्कुल सही हैं इशिता जी बिल्कुल सही हैं मोहिनी जी बिल्कुल सही हैं जी हाँ आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है देखते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं ये है विनेश गुलाटी जो अभी थर्टी फिफ्थ प्रेजिडेंट बने हैं इन दो सालों के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक किसके द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन आप सिर्फ एफ ए डी ए याद रखिए तो और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है आशीष हर्षराज इसको इन्होंने रिप्लेस किया है आगे बढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइ हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया ठीक है फिफ्थ सितंबर, सिक्स सितंबर सेवेंथ सितंबर या फिर एट सितंबर, और आपका टाइम शुरू होता है अब कोई बात नहीं मोहिनी जी आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं अभी आप जुड़िए और बाद में जो बाकी का बच गया है वीडियो वो आप बाद में जरूर देख लीजिएगा ताकि कवर हो जाए आपका तो इसका जो सही आंसर है वो है सेवेंथ सितंबर और देखते हैं कितने साथी ने सही आंसर दिया है शबनम जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही है रौनक जी बिल्कुल सही हैं शुभलक्ष्मी जी बिल्कुल सही हैं किशन जी बिल्कुल सही है अग्निमित्रा जी बिल्कुल सही हैं कीर्ति जी बिल्कुल सही हैं रिक्ता जी बिल्कुल सही हैं टीना जी बिल्कुल सही हैं राजवंशी जी बिल्कुल सही हैं इशिता जी बिल्कुल सही हैं तो हाँ आप सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का देख के बहुत अच्छा लगता है जब आप सही आंसर्स देते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़ विल बी हेल्ड ऑन सेवन सेप्टेम्बर 2020 अब ये जो डे है यानी कि क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये जो डे है वो हर साल मनाया जाएगा सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर को और इसका क्या एम है क्यों मनाया जाएगा ताकि आ, लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि हर हर जगह पे जागरूकता फैलाना चाहते हैं एक इंडिविजुअल यानी कि एक एक इंसान के माध्यम पे एक कम्युनिटी एक समुदाय के माध्यम पे एक कॉर्पोरेट के माध्यम से और एक गवर्नमेंट तक के लेवल तक यानी कि सारे लेवल तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो क्लीन एयर है यानी कि जो साफ हवा है वो बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए यानी कि अच्छे उत्पादन के लिए इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इन सभी के लिए स्वच्छ एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप याद रखिए कि ये हर साल मनाया जाएगा सेवन्थ ऑफ सप्टेम्बर को आगे बढ़ते हैं विच फॉमूला वन रेस कार ड्राइवर हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किस फॉर्मूला वन रेस कार चालक ने इटालियन ग्रैंड प्रिक जीता है तो आपको टाइम शुरू होता है अब तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पियर ए गैलेक्सी तो देखते हैं कितने साथी ने सही आंसर दिया है आ, संगीता जी बिल्कुल सही हैं रौनक जी बिल्कुल सही हैं नीतू रानी जी बिल्कुल सही हैं किशन जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही हैं मधु जी आप भी बिल्कुल सही हैं ज्योति जी बिल्कुल सही हैं अमृता जी बिल्कुल सही हैं अग्निमित्रा जी बिल्कुल सही हैं तो हाँ आप सभी ने सही आंसर दिए हैं तो पियरे गैलेक्सी जो है अभी वो फ्रेंच ड्राइवर है ऑन सिक्स सितंबर को उन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड पिक ठीक है और जो सेकंड नंबर पे रहे हैं वो है कार्लो सैन और जो थर्ड नंबर पे रहे हैं वो है लेंस स्ट्रॉल आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो इटालियन ग्रैंड पिक है ये कब से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं नाइनटीन से

संविधान की बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता को तो शुरू करने के लिए प्रसिद्ध था एस पद्मावती केशवानंद भारती गोपाल स्वामी आ, कस्तूरी रंगन या फिर शिवाजी राव पाटिल डिग लेकर तो आपको बताना है और ये देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका टाइम शुरू होता है अब ग्रेट ग्रेट बहुत सारे साथी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं एबीसी तो आप क्वेश्चन जरूर साथ में लिखिए कि नाइन सी एट सी इस तरह से ताकि हमें पता रहे कि ये कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर किया है आ, तो हम आपको बता दें कि ये जो पर्सन है इसका जो सही नाम है वो है केशवानंद भारती और इन्होंने क्या किया है अभी हम इस पर बात करते हैं तो देखिए केशवानंद भारती जो है वो एक मठ चलाते थे केरला में 1961 से लेकर ठीक है और वो मठ जो था वो इतना फेमस था और वहाँ से बहुत सारे लोगों की जो श्रद्धा है वो जुड़ी हुई थी और उसके बाद क्या हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने एक पास किया लो कि जितने भी Uh, मतलब बहुत सारी जगह पर उनको प्रॉपर्टी बनानी थी इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जगह को अपने ही अंडर कर लिया तो उन्होंने बोला कि मठ जो है वो भी एक सरकार की प्रॉपर्टी होगी यानी कि वहाँ पे मठ नहीं रहेगा और कुछ और बनाया जाएगा तो तब केशवानंद भारती जी ने इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि जो रिलीजियस रिलीजियस जो है वो हर रिलीजन जो है वो हर किसी का मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट right है तो उन्होंने बोला कि ये तब ये लॉ ये तब ये रूल आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर आप समझते हैं कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता तो तब ये एक क्वेश्चन उठकर खड़ा हुआ कि ये तो मानते हैं कि संविधान में संशोधन के अधिकार है लेकिन तब ये क्वेश्चन उठा कि क्या संविधान में बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका उसको भी संशोधित किया जा सकता है तो आंसर में था कि नहीं उसको संशोधित उसको संशोधित यानी कि अमेंडेड नहीं किया जा सकता तो ये सबसे बड़े इस चीज़ के जो शुरुआत करने के लिए रहे केशवानंद भारती जी जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि जो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि इंडिया जो है वो एक गणतंत्र है एक सेक्युलर कंट्री है तो ये सब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं हो सकता तब ये बात उठी तो ये पहले व्यक्ति रहे और इसका जो आंसर है वो बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही दिया है सुनैना जी ने बिल्कुल सही दिया था रौनक जी नीतू रानी जी हेमलता जी अमृता जी रिक्ता जी किशन जी आपने सबने बिल्कुल सही आंसर दिया था पद्मनी साहू जी बिल्कुल सही Uh, बिल्कुल सही वो सिक्स सितंबर को uh, डाइड हुए हैं बैंगलोर बेंगलोर में बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूनिवर्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड पबजी एंड 118 अदर एप्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस भाग के तहत भारत सरकार ने पबजी और आ, 118 अन्य ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है सेक्शन 53 बी सेक्शन 21 ए सेक्शन 68 सी या फिर सेक्शन 69 ए तो आपको पता है कि आ, चाइना से विवाद चल रहा है इंडिया का जिसके तहत इंडिया ने बहुत सारी चाइना की जो ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आपको बताना है कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत लगाया गया है पबजी पर और अदर एप्स पे प्रतिबंध तो शुरू होता है अब तो अंकुश जी बोल रहे हैं कि केशवानंद भारती जी की एक्सप्लेनेशन फिर से बता दीजिए तो देखिए केशवानंद भारती जी जो हैं वो एक मठ चलाते थे केरला में आ, लेकिन Uh, केरला जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जो मठ है वहाँ से वो हट जाए और वहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन हो और जो जो वो ज़मीन है वो केरला गवर्नमेंट के अंडर आ जाए लेकिन आपको पता है कि uh, जो रिलीजियस राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है तो तब uh, केशवानंद भारती जी ने ये विरोध किया कि ये जो मठ है ये यहाँ से नहीं हट सकता क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट right है और ये जो ज़मीन है ये भी हम लोगों की है और यहाँ से बहुत सारे लोगों की जो श्रद्धा है वो जुड़ी हुई है तो तब ये जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सबसे पहले ये सवाल किया गया कि क्या जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आधार जो आधार है उसका उसमें क्या संशोधन करने का अधिकार है किसी को भी तो आंसर में आया कि नहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता लेकिन कुछ छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वही हो सकते हैं तो ये जो केशवानंद भारती जी है इन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया ताकि ये डिसाइड हो सका कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं हो सकता तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते ही है जो मूलभूत है संविधान की चीज़ें तो आइए अब इस क्वेश्चन का किसने सही आंसर दिया है देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्शन सिक्सटी नाइन ए तो देखते हैं हमारे कितने साथियों ने सही आंसर दिया है बहुत सारे साथी बिल्कुल सही हैं रिक्ता जी बिल्कुल सही हैं पद्मिनी जी बिल्कुल सही हैं शबनम जी बिल्कुल सही हैं ज्योति जी इशिता जी बिल्कुल सही हैं अग्निमित्रा जी बिल्कुल सही हैं अर्चना जी बिल्कुल सही हैं पद्मिनी साहू जी बिल्कुल सही पद्मिनी साहू जी बिल्कुल सही हैं तो आइए देखते हैं आफ्टर इंडिया चाइना क्लैश इन लद्दाख आपको पता ही है कि लद्दाख पे उनका क्लैश चल रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चाइना की एप्स को बंद कर दिया जाए बैन कर दिया जाए तो अभी वन वन एट ऐप जो है वो बैन हो गई है पबजी के साथ साथ आपको पता है कि पबजी बहुत ज़्यादा खेले जाने वाली ऐप है इंडिया में लेकिन अब वो बैन हो चुकी है और ये किसने बैन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ठीक है और आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये सिक्सटी नाइन ए के तहत जो है वो बैन की गई है और और जो सबसे बड़ी बात है वो उन्होंने क्यों बैन की है क्या आरोप लगाकर कि जो हमारी जो पब्लिक है यानी कि जो लोग इसको खेल रहे हैं जितने भी ऐप्स से जुड़े हुए हैं वो जो ये ऐप्स हैं वो इनका डेटा जो है वो कैप्चर कर रही है ठीक है तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए ताकि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए इसलिए ये ऐप्स को बैन किया जा रहा है आगे देखते हैं विद विच कंट्री इंडिया हैज टू डीपन कॉपरेशन टू काउंटर टेररिज्म इन एंड पायरेसी किस देश के साथ भारत ने आतंकवाद उग्रवाद और चोरी का मुकाबला करने के लिए सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया है नाइजीरिया माली इरिट्रिया या फिर सूडान तो इन चारों में से किस कंट्री के साथ भी भारत ने यह संकल्प लिया है कि वो आतंकवाद उग्रवाद और चोरी का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे तो आपका टाइम शुरू होता है अब तो आपका टाइम खत्म हो गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइजीरिया नाइजीरिया के साथ अभी भारत ने जो है वो संकल्प लिया है कि वो चोरी उग्रवाद और पायरेसी यानी कि आतंकवाद चोरी उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े होंगे ठीक है तो यह फर्स्ट सितंबर को हुआ है तभी मैंने आपको कहा था कि मैं फर्स्ट सितंबर से लेके अभी तक के सारी करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर रहे हैं हम लोग तो एक एक दो दो क्वेश्चन हम पीछे वाले भी डाल रहे हैं तो देखते हैं कितने साथियों ने सही आंसर किया था अर्चना जी बिल्कुल सही है आ, दयागिरी जी आप बिल्कुल सही हैं मोहिनी वर्मा जी बिल्कुल सही हैं तो देखिए इन तीनों चीजों पर भारत और तो नाइजीरिया जो है वो आपस में मिल काम करेंगे और साथ में जो ट्रेड है यानी कि जो व्यापार है उसके भी माध्यम को और ज्यादा बढ़ाएंगे कि कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार और ज्यादा बढ़ सकता है आगे बढ़ते हैं और मेडिकल देखिए कुछ डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि जो सैन्य संसाधन है उसको भी बढ़ाए जाएंगे मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कुछ शेयरिंग होगी यानी कि रिसर्च एरिया में भी कुछ चीज़ें साझा की जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में आगे बढ़ते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन नेवी हैव होल्डेड मेगा नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 थाउजेंड ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होगा कि आपके करंट अफेयर्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से ये एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो कि uh, दोनों कंट्रीज़ में किस तरह की एक्सरसाइज uh, हुई हैं चाहे वो सैन्य एक्सरसाइज हो या किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो बताइए इंदिरा ट्वेंटी ट्वेंटी जो नेवल एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है भारत के साथ कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है यूके जापान रशिया या फिर यूएसए तो आपका टाइम शुरू होता है अब बहुत सारे साथी समय के शुरू होने से पहले ही आंसर कर देते हैं तो ग्रेट तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है आंसर करने का और इसका जो सही आंसर है वो है रशिया यानी कि रूस तो रूस के साथ अभी एक नेवल एक्सरसाइज़ हुई है जिसका नाम है इंदिरा ट्वेंटी ट्वेंटी कितने साथियों ने सही आंसर दिया है अग्निमित्रा जी बिल्कुल सही हैं नीतू रानी जी बिल्कुल सही हैं हेमलता जी बिल्कुल सही हैं शबनम जी बिल्कुल सही हैं सुनैना जी बिल्कुल सही हैं किशन जी बिल्कुल सही है ज्योति जी इशिता जी बिल्कुल सही हैं संगीता जी बिल्कुल सही हैं तो जी हाँ आप सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है तो इंडिया और रशिया के बीच अभी एक हाल ही में नेवल एक्सरसाइज हुई है यानी कि नौसेना की जो कि जिसका नाम है इंदिरा ट्वेंटी ट्वेंटी और ये कहाँ पर हुई है अंडमान सी में हुई है ठीक है और ये बहुत ही हाई ऑपरेशनल अलर्ट के द्वारा की गई है क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो ऑलरेडी उसके साथ अभी संबंध थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं इसलिए ये जो एक्सरसाइज की गई है ये बहुत ही हाई अलर्ट के दौरान की गई है और ये एक्सरसाइज जो है वो दो दिन की थी फोर्थ ऑफ सितंबर एंड फिफ्थ ऑफ सितम्बर को एक्सरसाइज की गई है आप ये वाला पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार जब आप रात में या जब भी आपको टाइम मिले दो चार दिन में एक बार फिर से देखिए ताकि ये जो क्वेश्चन है आपके पक्के हो जाए क्योंकि याद रखिए मैं बार बार कह रही हूँ आप जो आज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स ये आपका कम से कम भी आपको एक साल तक हेल्प करने वाला है क्योंकि कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए तो आपके एक साल पीछे तक के करंट अफेयर्स उसमें आते हैं और जो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है इसको देखना ताकि आप खुद को अपडेटेड रख सके ये सारी प्लेलिस्ट है इसके बारे में हमने शुरू में बात कर ली है सोशल हैंडल्स है जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों तक ये वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच हम आपसे मिलेंगे कल फिर अपनी क्लास फोर के साथ और प्लीज टाइम निकल के जल्दी जल्दी आ जाए करेगा क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टिस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ